अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इफ्तार स्पेशल पकोड़ा फ्राइज रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो ये बन क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं, बच्चों को बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए, तो अब हमने ये आधा किलो आलू ले लिए थे, जिनको हम चिप्स के साइज के स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया था, तो अब इनको हम फ्रेंच फ्राइज की शेप में भी कट कर लेंगे। इस तरीके से सारे आलूओं को कट कर लेंगे। अब हम इनको अच्छे से धो लेंगे और छन्नी में छान कर रख देंगे, जब तक कि इनका पानी स्टेन ना हो जाए। अच्छे से धोने के बाद अब इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें एक दो प्याज ले लिए हमने, इनको स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब इनको भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इनको भी डाल देंगे। अब कुछ पाउडर मसाले, एक टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च और दो टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें बेसन डालेंगे। अब हम इसमें, ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक कट कर लिया है, और 1 मुट्ठी पुदीना इसको कट कर लेंगे, 2 मुट्ठी हरा धनिया इसको भी कट कर लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको भी बारीक बारीक कट कर लेंगे, ये भी डाल देंगे इसमें। इस तरीके से देखिए, हमने ये भी डाल दिया है। अब हम इनको मिक्स करेंगे हाथों से, अच्छे से हम सबको मिक्स कर लेंगे। हम इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 2 टेबलस्पून और डाल दिया है इसमें। अब हम इनको फिर दोबारा मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको कढ़ाई में डालेंगे। एक डालने के बाद इनको हम अच्छे से हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, फ्लेम को कम नहीं करेंगे। तो ये क्रिस्पी क्रंची होने तक इनको हम फ्राई करते रहेंगे, ये जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इस तरीके का। ये देखिए, इनको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये बनकर तैयार हो गए हैं, हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम सारों को निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने दूसरा बैच भी डाल दिया है, तो इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई करते रहेंगे। ये इस तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम इनको, अब मैं आपको सर्व कर कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इनकी आवाज़ भी आप सुनिए। तो ये हमारे फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी क्रंची, जो बच्चों को बेहद पसंद आती है। तो अब मैं इनको आपको सर्व कर कर भी दिखाती हूँ एक प्लेट में, जो कि बच्चों को खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब मैं इसको मेयोनीज और टमाटो केचप के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने इस पर मेयोनीज डाल देंगे और टमाटो केचप ये भी डाल देंगे। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट और लाजवाब होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए और बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। चलिए, दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये छोले मसाला रेसिपी है, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम छोलों को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, और ये भीग चुके हैं। तो अब हम इनको अच्छे से धो लेंगे, धोकर कुकर में डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और 2 गिलास भरकर पानी डाल देंगे। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी हाई फ्लेम पर लेंगे, और उसके बाद 10 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर रख देंगे। तो ये मैंने 3 टमाटर और 3 प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है। अब हम इनको काट कर बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इनको काट कर एक चॉपर से चॉप कर लेंगे। प्याज काट कर हम चॉपर में डाल देंगे।
ये देखिए इस तरीके से तो मैंने इन सबको चॉप कर कर रख लिया है। अब देख लेते हैं हम छोले गल चुके हैं। ये देखिए ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो मैं ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब हमने कढ़ाई में 1/2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून हींग डालकर इसे हल्का सा भून लेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे, जो ये हमने चॉप करी थी हरी मिर्च और प्याज, इनको हम डाल देंगे। कुछ हम प्याज बचा लेंगे गार्निश के लिए। ये देखिए इसको हम प्याजों को हल्का सा भूनेंगे। ये मैंने गार्निश के लिए प्याज को और हरा धनिया को बचा लिया है। तो ये इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, प्याजों को हल्का सा सॉफ्ट रखेंगे बस। अब हम इसमें छोलों को डाल देंगे, इनको छोलों को डालकर और टमाटर भी डाल देंगे जो हमने चॉप किए थे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, ज़ीरा पाउडर, आमचूर पाउडर और चाट मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और ये सब मैंने 1 टेबल स्पून भरकर डाला है, और 1/2 टेबल स्पून और रेगुलर नमक और 1/2 टेबल स्पून काला नमक, इनको भी डाल देंगे। अब इनको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, इनको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक, इसे अच्छे से पकाएंगे। जो हमने गार्निश के लिए प्याज और धनिया बचा कर रखा था उसको भी डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इनको डाल देंगे, और 1/2 लेमन जूस डालेंगे अब हम इसमें, इसका टेस्ट और अच्छा करने के लिए 1/2 लेमन जूस डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए ये इस तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। हम इसको एक बाउल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए छोले मसाला रेसिपी बनकर बहुत टेस्टी और लाजवाब बनते हैं, तैयार हो गई है। ये बच्चों को बेहद ही पसंद आती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।